हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कविता एट किचन विद ब्लॉग्स में। आज मैं आपके साथ फिर एक और नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये कांदा है, इसे हमारे तरफ कंदा बोलते हैं और पता नहीं आपके तरफ इसको क्या बोलते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मसाले में मैं सरसों ले रही हूँ, मस्टर्ड सीड्स, और इसको हमें ऐसे ही ड्राई ही पीस देना है। हमें इसे ना कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ऐसे इसको पीस लेना है। तो देखिए, मैंने सुखाई पीस लिया है। तो जैसे गिल्ला मसालों के साथ पीसते तो अच्छी तरह से पीसती नहीं है। और देखिए, मैंने बेसिक मसालों में लहसुन, मिर्च और ज़ीरा और काली मिर्च मैंने लिया है। बस मैं इन्हीं बेसिक मसालों के साथ इसको पीसूंगी और कुछ और मसाले मैं सूखे मसाले डालूंगी। तो बस अब देखते रहिए मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। तो सबसे पहले हम कांदा को, जो कंदा है उसको हम काट लेंगे। ये थोड़ा हार्ड होता है, तो मेरी चाकू अच्छी स्मूथ है। तो देखिए, पहले इसको अच्छे से हमें पूरे छिलका को उतारना है। अपने हाथों का ख्याल रखें और आराम आराम से करें। तो देखिए देखिए, छिलके उतार लिए मैंने। अब देखिए, इसको बीच से कट करना है। आप इसको जैसा चाहे आप उस अपने हिसाब से इसके साइज रख सकते हैं। जिस शेप में भी आपको काटना हो आप काट सकते हैं। देखिए, मैं इस तरह के शेप में काट रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से शेप को रख सकते हैं। तो देखिए, मेरी सब्जी कट हो गए हैं। अब इसको अच्छे से धो लेंगे हम। और इधर मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तो देखिए, ऑयल भी गर्म हो मैंने डाल दिया है। तो इसमें मस्टर्ड ऑयल का ही आप उपयोग करें। और बस मैं पहले इसे फ्राई कर लेना है कंदा को। सरसों तेल में ये बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब इसमें थोड़ा सा बस नमक डाल देंगे ताकि इसमें नमक हो जाए। और बस इसे हमें चला देना है और इसे हमें ढक के थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो ये थोड़ी सी पक भी जाएगी, नरम हो जाएगी। बस इसी तरह हमें थोड़ी थोड़ी देर में ढक के इसे पका लेना है अच्छी तरह से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसमें नमक डाल देने के बाद ये तुरंत ही पक जाती है और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, मैं फिर ढक के मैं पका रही हूँ। तो देखिए, अब ये फ्राई हो चुका है। बस अब इसको देखिए, ये फ्राई हो गया है। अब इसे हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। बस इसको निकाल के हम अलग रख लेंगे। और अब जो तेल बचा है उसी में हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने पचफोरन डाले हैं, उसमें जीरा, मेथी, सौंफ, सब कुछ होता है। देखिए, मैं दालचीनी, तेज़पत्ते और एक इलायची मैं इसको खोल के डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं, मसालों के साथ इसको पीस ले, लेकिन मैं इसे खड़े ही मैं डाल रही हूँ। और देखिए, मैं पीसे मसाले इसमें ऐड डाल दे रही हूँ। अब जो मैंने सूखे सरसों पीसा है उसे भी मैं डाल देती हूँ। तो ये सरसों स्पेशल है, इसलिए इसमें सरसों में 2 चम्मच डालूंगी। जब सरसों डालेंगे तो हम इसमें प्याज ऐड नहीं करेंगे। मैं प्याज नहीं डाल रही, आप चाहे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्याज डाल के नहीं बना रही, बिना प्याज के बना रही हूँ। अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। तो मैंने जब कंदे को फ्राई किया था तो उसमें मैंने नमक डाला था, तो नमक अपने हिसाब से आप डालें, अपने जितनी आपको टेस्ट खाते हो उसी के हिसाब से डालें। अब मैं हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें कट किए हुए टमाटर मैं डाल दे रही हूँ।
थोड़े से मैं इसमें गरम मसाला डाल दे रही हूँ और धनिया पाउडर थोड़ा सा मैंने डाल दिया। तो बस अब जो मैंने फ्राई करके कंदे को रखा है मैं उसको इसमें मिला लूँगी। बस अब इसे भी हमें थोड़ा ढक के पकाना है ताकि मसाले एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। हम इसे थोड़ा ढक के पकाएंगे। तो देखिए मसाले भून चुके हैं, एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। भुन जाएगा तो आप चाहे तो इसको ऐसे सूखे सब्जी भी खा सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ तो मैं इसमें एक गिलास पानी ऐड कर दे रही हूँ। ये आप चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको एक उबाल आने तक इसे हमें पकाना है। अब हम इसे थोड़ी सी देर ढक देंगे और एक उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। तो देखिए उबाल आ चुका है, आपको जितनी चाहिए उतनी ग्रेवी रखिए। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व करूंगी। तो देखिए मेरी जो सब्जी है वो रेडी है, कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, उतनी टेस्टी खाने में है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं सब्ज़ी आपको कैसी लगी, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आती रहूँगी। धन्यवाद।